शिवपुरी नरबर मगरोनी से है। यहाँ पुलिस चौकी अंतर्गत मामला 15 अप्रैल शुक्रवार रात का है। अनवर खान जब अपने घर में सो रहे थे और सुबह उठकर वह अपने बड़े भाई के लड़के जिसका इलाज कई दिनों से ग्वालियर में चल रहा था उसको लेकर ग्वालियर हॉस्पिटल रवाना हो गए। ग्वालियर पहुंचते ही उनको सूचना मिली कि आप और आपके परिजनों के खिलाफ आकिव और शफीक खान के सर में फरसा मारने का इल्ज़ाम लगाया गया है और उसने आपके खिलाफ मामला कायम करा दिया है। यह सुनकर अनवर दंग रह गए और उठकर अपने भाई के पास गए और भाई से बात की तो भाई गफ्फार ने कहा, चलो चौकी प्रभारी को इस सारी घटना के बारे में जानकारी देते हैं। यह सरासर गलत है, हमारा ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है, हमें इस झूठी साजिश में फंसाया जा रहा है। प्रार्थी का कहना है कि जिस शादी के झगड़े की बात कर रहे हैं, जिसके यहाँ यह शादी हुई वह कह रहे हैं शादी में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ था और दूसरी बात अनवर खान नहीं उस शादी में मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि फरियादी आकिव पुत्र शफीक खान हमेशा ही नशे में डूबा रहता है और नशे का आदी है। समीर खान शफीक खान का कहना है कि समीर से हम तेरी नौकरी नहीं लगने देंगे, तेरे पर केस लगाकर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया का कहना है इस मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी और सच क्या है इसका भी पता लगाया जाएगा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनवर खान है। कहाँ से आए हो, एसपी ऑफिस में क्या ज्ञापन देने आए हो? जी मैं मगरोनी से आया हूँ। जी क्या मामला आया आपका? मेरे भाइयों में, मेरे बच्चे में एक दुर्घटना का दर्ज कर दिया है मगरोनी पुलिस चौक द्वारा, उसमें उसका आवेदन में देने माननीय एसपी महोदय को आया। जी क्या आश्वासन दिया आपको? जहाँ से आश्वासन उसको पूरा दिया गया है कि आपकी इस तक जाँच होगी और यदि आप दोषी नहीं हैं। कौन कौन पे झूठे नाम लिखा दीजिए? मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम अनवर खान है, मेरे बड़े भाई का नाम गफ्फार खान है जी। और मेरे भाने का नाम लिखाया है जो उसका नाम शाहरुख खान है, मेरे बच्चे का नाम लिखाया है उसका नाम समीर खान है और इन लोगों ने बिल्कुल ही झूठा ये मुकदमा लगाया है शफीक खान का पुत्र आसिफ खान द्वारा, जो कि एक आपराधिक कृत्य का लड़का है जी और आए दिन वारदातें करता है जी, जबकि हमारा पुलिस रिकॉर्ड में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है आज से पहले। ठीक है, इन्होंने हमको इस मुकदमे में झूठा हमको फंसाना चाहते हैं और हमारी हम रात में जब जिस टाइम हम सो रहे थे उस टाइम पे इनने रात के 10 बजे इनके घर में लड़ाई हुई है और इनने अपने बच्चे का सिर फाड़कर और हम पे झूठा मुकदमा कायम करवा दिया। हमको सवेरे 10 बजे मालूम पड़ा समाचार पत्रों के द्वारा कि आप पे मुकदमा कायम हो चुका है। ठीक है कि नहीं है? दूसरी बात, आज दिनांक से भी उनको वहाँ से हमको धमकी मिल रही है कि आप हमसे राजीनामा करिए और हमको इतना पैसा दीजिए उतना पैसा दीजिए। सामने वाली पार्टी धमकी दे रही है आपको? सामने वाली पार्टी 5 लाख रुपए हमसे मांग डिमांड आई है, हम तो उस चीज़ का गवाह है कि आप 5 लाख रुपया दीजिए और नहीं तो हम आप पे आए दिन ऐसी झूठे मुकदमे लगाएंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।